नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, किंग फिल्म के बारे में एक और लेटेस्ट अपडेट लेके आपके लिए ये वीडियो में आया हूँ। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि किंग फिल्म के बारे में सभी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में तीन फिल्में आने के बाद में पठान जवान और जो थी आपकी डंकी, उसके बाद में शाहरुख खान की कोई फिल्म आई नहीं है। तो अब फिर से उनका एक कम बैक होगा फिल्म से, और अब की बार जो कम बैक कर रहे हैं वो दोस्तों कल की जैसा बड़ा कमबैक करने की वो सोच रहे हैं। जैसे प्रभास का कमबैक हुआ था, कई फिल्में पिट गई थी उनकी बॉक्स ऑफिस पे, और फिर कल की से कितना जबरदस्त उन्होंने 1150-1150 करोड़ का कमबैक किया, जवान का रिकॉर्ड तोड़ा। तो वैसा ही एक कमबैक यहाँ पे किंग शाहरुख खान करना चाहते हैं किंग फिल्म से, और इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर सुजाय घोष है, जो कहानी तथा बॉब विश्वास जैसी जबरदस्त फिल्म बना चुके हैं और बड़े बेहतरीन डायरेक्टर है। इसके अलावा सुहाना खान का बॉलीवुड डेब्यू है शाहरुख खान की बेटी, हालांकि वो आठ चीज में नजर आ चुकी है, लेकिन वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई थी। अब यहाँ पे बड़े पर्दे पर वो यहाँ पे शाहरुख खान की शिष्या के तौर पे, जिसको ट्रेन करेंगे शाहरुख खान, ऐसा कुछ खबरें आ रही है, उनके साथ ही बड़ा डेब्यू कर रही है। साथ ही दोस्तों, अभिषेक बच्चन भी इस फिल्म में है, जो कि एक एंटागोनिस्ट यानी कि विलेन के रोल में नजर आने वाले, नेगेटिव किरदार में नजर आने वाले। हालांकि मेरे पास जो खबरें हुई है कि शाहरुख खान का किरदार भी एक नेगेटिव टच लिए होगा, क्योंकि वो भी गैंगस्टर है डॉन के किरदार में। बड़ा इंटरेस्टिंग ये प्लॉट है, सिद्धार्थ आनंद भी फिल्म से जुड़े हैं जो एक्शन डिजाइन करेंगे, और सुजाय घोष फिल्म की स्टोरी को बड़ा बेहतरीन तरीके से पेश करने वाले है। 250 करोड़ का बजट है फिल्म का, तो पठान और जवान से किसी भी मायने में फिल्म छोटी नहीं होने वाली है। शूटिंग इसके नवंबर में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब खबरें ही आ रही है कि ये पोस्टपोन्ड हो गई है, थोड़ी डिले हो गई है। और कैसे हुई है कि कुछ विशेष इनको दृश्य चाहिए, जो मतलब एक विशेष मौसम में ही शूट होते हैं, तो वो मौसम इनको मिलेगा जनवरी में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विदेशों में जो शूटिंग की लोकेशन इन्होंने तय की है, वहाँ पर उस मौसम का वेट कर रहे, उन विजुअल्स का वेट कर रहे जो जनवरी में इनको मिलेंगे। तो जनवरी में फिल्म शूटिंग होगी, और भी कुछ फिर प्री प्रोडक्शन का कार्य बाकी है, जिसके ऊपर पूरी मेहनत की जा रही है। लुक्स के ऊपर अपने मतलब अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे सब पे एक वर्क किया जा रहा है, तो कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए 2 महीने और लेट हो सकती है। अभी तक खबरें यही आ रही है, बाकी हो सकता है कि नवंबर में 2 नवंबर को शाहरुख खान का जो बर्थडे है, उस दिन इसका एक अनाउंसमेंट टीजर, एक शूटिंग के बारे में पूरी रिपोर्ट, रिलीज डेट सहित आ जाए। लेकिन अगर जनवरी में ये फिल्म शुरू होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि 2025 में ये फिल्म रिलीज हो पाएगी, फिर तो मुझे लगता है 2026 में ये फिल्म रिलीज होगी। और अगर नवंबर में शूटिंग शुरू हो जाती है तो फिर डेफिनेटली जरूर ये फिल्म 2025 में उम्मीद कर सकते हैं दिवाली के अवसर पर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि शाहरुख खान वर्सेज अभिषेक बच्चन की आई और सुजाय घोष, सिद्धार्थ आनंद और सुवर्णा खान की ये फिल्म बड़ी जबरदस्त होने वाली है, स्टोरी वाइज भी और कंटेंट वाइज, साथ में एक्शन और एक रफ टफ एक्शन इसमें देखने को मिलने वाला है, बड़ा मजा जरूर इसमें आएगा। जैसे और अपडेट्स आते हैं लगातार आपको जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम। जी बोले।